क्या होगा जब शौर्य के सामने आएगा प्रीता का सच। जी हाँ, आपको बता दें कि शौर्य के सामने जल्द ही प्रीता का सच आने वाला है। उसे पता चलने वाला है कि वो ही उसकी असली माँ है। वेल, आप देख सकते हैं ये फोटो जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रीता को लगातार देखता नजर आ रहा है शौर्य। जाहिर तौर पर उसे ये जानना है कि आखिर क्या हुआ था उसकी माँ के साथ, क्यों प्रीता यहाँ से चली गई। इस सवालों में काफ़ी ज़्यादा उलझा नज़र आने वाला है शौर्य। जी हाँ, अब धीरे धीरे शौर्य को आप एक तरीके से अच्छा होते देखेंगे। वेल, फिलहाल तो आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से जो शौर्य है वो काफ़ी बिगड़ैल हो चुका है। शौर्य जो है वो लगातार हैरान परेशान नज़र आने वाला है, क्योंकि अभी आप सब देख रहे हैं कि शौर्य जो है वो पलकी को कुछ इस तरह से फंसाता नज़र आया है, लेकिन राजवीर एट मोमेंट पर पहुंच जाता है और पुलिस को सब कुछ दिखा देता है। सीसीटीवी कैमरा पूरा दिखाता है जहाँ पर शौर्य हरकत करते दिख जाता है। इसके बाद यहाँ पर अब शौर्य को काफ़ी बुरा लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार वो वही हरकतें करता है, एक बार फिर से प्रीता यहाँ पर आमने सामने आ सकती है शौर्य के, तो ये सारी चीज़ें जो है वो शौर्य के दिमाग में चलने वाली हैं। और इसके साथ साथ जल्द ही शौर्य जो है वो जानेगा कि प्रीता उसकी असली माँ है, क्योंकि यहाँ पर करण के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें प्रीता की फ़ोटोज़ वगैरह दिख सकती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये वाली फ़ोटो देख लीजिए जहाँ पर वो लगातार प्रीता को देख रहा है। ये अपकमिंग एपिसोड की ही फ़ोटोज़ लग रही हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में प्रीता का सच जो है वो शौर्य के सामने आएगा। तो क्या शौर्य जो है वो प्रीता को लेकर यहाँ पर आएगा। इसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कि यहाँ पर जैसे ही शौर्य के सामने प्रीता का सच आएगा कि प्रीता उसकी माँ है, वो बहुत सारे सवाल जो है वो निधि से पूछने वाली है। निधि से वो पूछने वाली है कि ये कौन है, जिसके बाद यहाँ पर वो ये भी पूछने वाला है कि ये मेरी माँ है। यहाँ पर निधि जो है ये बोलने वाली है कि हाँ, ये तुम्हारी माँ है जो कुछ सालों पहले तुम्हें छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद यहाँ पर ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होने वाला है शौर्य, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और प्रीता को देखकर शौर्य ये बात बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि प्रीता ऐसी इंसान है कि वो अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है, क्योंकि वो तो इतनी केयर करती नज़र आई थी। शौर्य ने ये चीज़ खुद देखी थी। अब ऐसे में जो निधि है उसकी बात पर कितना भरोसा करेगा शौर्य, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ ही साथ प्रीता का सच जो है वो सबके सामने कैसे आने वाला है, ये भी काफ़ी देखना दिलचस्प होगा। यानी कि या तो निधि को, नहीं तो फिर यहाँ पर शायद राखी को ये बात पता चलेगी कि शायद प्रीता जिंदा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ शौर्य के सामने भी आएगा प्रीता का सच। और प्रीता की फ़ोटो देखकर बहुत सारे सवाल करने वाला है वो लूथरा फैमिली से। और साथ ही साथ निधि एक बार फिर से प्रीता को लेकर भड़काने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रीता की तस्वीरें भी यहाँ से गायब कर दी गई हैं। अगर आप सबने नोटिस किया हो तो प्रीता की तस्वीरें भी नहीं हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि अगर तस्वीरें होती तो शौर्य को कब का पता चल चुका होता कि राजवीर की मौसी जो है वो उसकी माँ है, यानी कि उसकी असली माँ है। लेकिन यहाँ पर कोई तस्वीर नहीं है शौर्य के पास। इसका मतलब ये है कि निधि ने ये सारा कारनामा किया है और निधि ने पूरी तरीके से यहाँ से हटा दी है सारी फ़ोटोज़ वगैरह। और ख़ास तौर पर आपको पता ही है कि जो करण है वो भी प्रीता से बहुत नफरत करता है, इसी वजह से भी उसने सारी फ़ोटोज़ को हटा दी है। तो ये सारी सिचुएशन होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, जब शौर्य को पता चलेगा तो बहुत सारे सवाल करने वाला है, और साथ ही साथ इस तरह का एक मोमेंट भी आप सबको देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्म मूवी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को फॉलो करें।